मंकी पॉक्स का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से मामला सामने आया है। दिल्ली में अब तक कुल मिलाकर 7 मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश के, पूरे भारत की आप बात करते हैं, 12 के सामने आ चुके हैं। अब राजधानी दिल्ली में 24 साल की नाइजीरियन महिला में मंकी पॉक्स पाया गया है। पीड़ित महिला को लोकनायक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। स्पेशल वार्ड में रखा गया है। मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद जांच कराने पर मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो दिल्ली, चूंकि हरियाणा का काफी क्षेत्र दिल्ली से लगता है, तो हरियाणा के लिए भी अब अलार्मिंग सिचुएशन अपने आप में, क्योंकि 7 मामले देखिए सामने आ चुके हैं। अकेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 12 केस पूरे ही देश में अभी तक सामने आए हैं। और दिल्ली में एक और ये मामला है, नाइजीरियन महिला में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है। हालांकि सरकारों की ओर से गाइडलाइंस जरूर जारी की गई हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इसको लेकर निर्देश लोगों को दिए गए हैं। जागरूक रहने की बात कही गई है, क्या लक्षण हैं, लक्षण पाए जाने पर क्या किया जाए, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मंकी पॉक्स पाया जाता है, उसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है, ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। तो अब एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में एक और मामला सामने आया है मंकी पॉक्स का, एक और केस सामने आया है। नाइजीरियन महिला में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। चलिए, डॉक्टर आर एस वेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। मंकी पॉक्स को लेकर हम आपसे, जी नमस्कार सर, मंकी पॉक्स को लेकर आपसे बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक और केस सामने आ गया है। सर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ लक्षण इसके रहते हैं, क्या वाकई डरने की जरूरत है, अगर किसी में पुष्टि हो जाती है तो किस तरह से उपचार संभव है। इसी मंकी पॉक्स के जो लक्षण है, क्लासिकली अगर किसी के कांटेक्ट में जिसको मंकी पॉक्स है जी, उसके कांटेक्ट में अगर कोई आदमी आता है तो 5 से 3 हफ्ते के बीच में उसको लक्षण जो है वो सामने आए, पहली बात ये है। और उसके बाद क्लासिकली इसके अंदर बुखार आता है और जो उसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं या ग्लिटी बोलते हैं उनमें सूजन होती है और उसके बाद रैश उत्पन्न होता है बिस्तर के रूप में या पिंपल्स के रूप में। और कई बार ये जो रैश है वो पेनफुल भी होता है और उसके अंदर खारिश भी महसूस होती है। ये रैश स्किन के ऊपर तो होता ही है, इसके अलावा ये मुंह के अंदर भी हो सकता है और अंदर भी बॉडी में ये जो रैशेस हो सकते हैं इसके जी। तो जहां तक इसके बचने का ताल्लुक है, एक मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हाथ धोने की जो एक प्रैक्टिस है जो कोरोना से हमें एक देखने को मिला है, इससे काफी से कोरोना से ही नहीं मंकी पॉक्स से ही काफी बीमारी पाया जा सकता है अपने आप को अगर हम लगातार और बार बार अपने हाथ धोते रहे। जो हिंदुस्तान की दिन है, सारी वर्ल्ड को के नमस्कार करके हम ग्रीट करते हैं लोगों को, तो ये हैंडशेक से कहीं ज्यादा सुरक्षित है जी। बिना बात हम किसी को टच नहीं करते, क्योंकि ये मंकी पॉक्स जो है ये क्लोज कॉन्टैक्ट से ही एक दूसरे से फैलता है, और या इससे फैलता है या वो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, तो इसलिए आप किसी को हग ना करिए, किसी के कॉन्टैक्ट क्लोज बहुत देर तक रहे, इसके साथ वो करने से भी ये आपके फैलने का जी। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम नमस्कार करके सबसे मिले और बार बार अपना हाथ धोएं, ताकि ये बीमारी है वो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या है मंकी पॉक्स, क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं और कैसे और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।